नमस्कार, इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। रीट भर्ती परिणाम को लेकर बड़ी खुशखबरी और बड़ा अपडेट सामने आया है। 115 प्लस अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाएगा, चाहे वो बीएसटीसी से हो या फिर बीएड से हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी नॉलेजेबल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट कट ऑफ 2021 रीट रिजल्ट घोषित होने के बाद अब 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। इसी बीच रीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के बीच सिलेक्शन के लिए बनने वाली फाइनल कट ऑफ को लेकर चर्चा जोरों पर है। अभ्यर्थी अंदाजा लगा रहे हैं कि 31,000 शिक्षकों की भर्ती में चयन के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले अनुभवी कोचिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक रीट लेवल 1 और 2 की कट ऑफ 115 से 126 तक जाने की उम्मीद जताई है। यानी इस दायरे में या उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 31,000 शिक्षक भर्ती में हो सकता है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 7 से 10 अंक नीचे मानी जा सकती है। अगर आप भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है ये। अब जल्द ही शिक्षक भर्ती का फॉर्म जारी होगा। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इन पदों का पूरा वर्गीकरण होगा। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करने होंगे। इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट जारी करेगा। फाइनल कट ऑफ भी जारी होगी। इसी मेरिट के आधार पर 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। आप सब जानते हैं बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इस मेरिट को जारी करेगा। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र परीक्षार्थियों के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट में 90:10 का फॉर्मूला लगाया जाएगा, यानी 90% मार्क्स रीट से लिए जाएंगे और 10% एकेडमिक डिग्री से लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार नियुक्तियाँ देगी। राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अगर आपने भी रीट एग्जाम दिया है तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान बोर्ड ने मंगलवार को परिणाम परीक्षा के 36 दिन के भीतर ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। रीट में 11,04,216 को पात्र घोषित किया गया है। लेवल 1 के लिए 3,03,604 व लेवल 2 के लिए 7,73,612 को शिक्षक पात्रता मिली है। दोनों लेवल में 25.35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती का इंतजार है। जी हां, आपको बता दें रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को हुआ था। इसके लिए राज्य के सभी 33 जिलों में कुल 3993 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दो स्तरों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 16.51 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। अब अगर आपको सुधार करनी है अपने रिजल्ट में, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2021 के अभ्यर्थियों को श्रेणी व विषय संबंधित त्रुटियों को सुधारने के लिए मौका दिया है। 13 नवंबर तक रीट वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी त्रुटियों को सुधारने के लिए rajeduboard.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने भी रीट भर्ती परीक्षा दी है तो उसका परिणाम आने वाला है। 22 नवंबर को हाई कोर्ट का भी फैसला होगा। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।